हेलो गाइस, इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा आप लोग किस तरह से आप पोकेमोन गो में अपने आइटम स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। पोकेमोन गो में कौन से आइटम्स जो है जो आपके लिए यूज़फुल होंगे और कौन से आइटम्स जो आपके लिए यूज़लेस हैं, उन दोनों में कैसे आपको डिवाइड करना है, कौन से आइटम्स को अपने स्टोरेज से रिमूव करना है, उन चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो उस वीडियो को फिर से लास्ट तक देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पोशंस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग पोकेमोन गो में चार तरह के पोशंस मिलते हैं, उसमें से दो पोशन पूरी तरह से यूजलेस है। जो पहला वाला पोशन है उसमें सिर्फ हम लोग को 20 पॉइंट्स हेल्थ रिजेनरेट होता है, और जो दूसरा वाला पोशन है उसमें हम लोग का 50 पॉइंट्स हेल्थ रिजेनरेट होता है। यहाँ पर ये जो पोशन और सुपर पोशन है इन्हें अपने आइटम स्टोरेज में रख के कुछ फ़ायदा है नहीं, या फिर आपके पास कोई भी पोकेमोन है जिन्हें पोशंस की ज़रूरत है तो उन पर इन पोशंस का यूज़ करके अपने पूरे इन पोशंस को अपने आइटम स्टोरेज से रिमूव कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके अपने हाइपर पोशन और मैक्स पोशन को कलेक्ट करते रहना होगा। यहाँ पर हाइपर पोशन और मैक्स पोशन आप लोगों के पोकेमोन के पूरा पूरी हेल्थ को रिजेनरेट कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा पोशन है। पोशंस को आप लोग रेड बैटल के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग लकी रहे तो आप लोगों को पोकेस्टॉप स्पिन करने पर भी ये सारे पोशंस मिल सकते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके हाइपर पोशन और मैक्स पोशन को कलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आता है रिवाइव और मैक्स रिवाइव। इन दोनों चीज़ों को आप लोग गलती से भी अपने आइटम स्टोरेज से रिमूव नहीं करना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने पोकेमोन को रिवाइव करेंगे नहीं तो आप लोग पोशन का यूज़ कैसे करेंगे? तो फिर यहाँ पर रिवाइव और मैक्स रिवाइव को गलती से भी अपने आइटम स्टोरेज से रिमूव नहीं करना है। आप लोग इन्हें रेड बैटल के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, और पोकेस्टॉप स्पिन करने से भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने फील्ड रिसर्च टास्क के थ्रू भी आप लोग इन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है लकी एग, इंसेंस। ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप लोग काफ़ी रेयर पोकेमोन्स मिलते हैं और आपका एक्सपी भी डबल हो जाता है। तो इन्हें भी गलती से भी अपने आइटम स्टोरेज से रिमूव नहीं करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मिलता है फास्ट टीएम, चार्ज टीएम। ये दोनों चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इससे आप लोग बस अपने पोकेमोन के मूव को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके पोकेमोन के डिफ़ॉल्ट मूव्स रहेंगे बस आप लोग उन्हीं मूव्स के बीच में चूज़ कर सकते हैं। आप लोग खुद से कोई भी नया मूव जैसे कोई एक्सक्लूसिव मूव अपने पोकेमोन को नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप लोग पोकेमोन के मूव को चेंज कर पाते हैं। तो आप लोग चाहे तो इन्हें रख सकते हैं, मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद आता है एलाइट चार्ज टीएम और एलाइट फास्ट टीएम। ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनकी मदद से अपने पोकेमोन को किसी भी तरह का मूव यहाँ पर दे सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप लोग जितना ज़्यादा हो सके स्टोर करके रखना है। जब भी आप लोग किसी भी तरह का रेयर पोकेमोन या लेजेंडरी पोकेमोन मिले जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तो उनमें आप लोग इन टीएम का यूज़ करके उसे एकदम पावरफुल मूव दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा रेड पास, जो प्रीमियम रेड पास होता है और रिमोट रेड पास। इन दोनों चीज़ों को अगर आपने आइटम स्टोरेज से रिमूव किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आइटम स्टोरेज से अपने पोकेकॉइन को रिमूव किया, क्योंकि आप लोग इन्हें परचेस करके यूज़ कर रहे हैं और इन्हें रिमूव करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इन्हें गलती से भी रिमूव नहीं करना है आप लोगों को अपने आइटम स्टोरेज से। फिर आता है स्टार पीस, तो इसे भी रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप लोगों को स्टार पीस का यूज़ कर लेना है, चाहे आप लोग 10 ही पोकेमोन क्यों ना पकड़ ले रहे हैं, वहाँ पर आप लोग 10 पोकेमोन का एडिशनल एक्स्ट्रा स्टार डस्ट मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा फ्यूचर में। तो इसे गलती से भी रिमूव नहीं करना है, आप लोगों को रिमूव करने के बजाय इसे यूज़ कर लेना है। फिर आता है गिफ्ट। गिफ्ट को भी आप लोगों को रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस इसे यूज़ कर लेना है। अगर आप लोगों को गिफ्ट को आइटम स्टोरेज से रिमूव करना है तो इससे अच्छा होगा कि आप लोग अपने गिफ्ट को अपने दोस्त को सेंड कर दीजिए। गिफ्ट ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता, आप लोग 20 का ही स्पेस लेता है। तो बस आप लोग अपने गिफ्ट को अपने दोस्त का शेयर कर दीजिए, उससे आप लोगों का फ्रेंडशिप लेवल भी बढ़ेगा और आपका आइटम स्टोरेज में थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो आप लोगों को अपने आइटम स्टोरेज से रिमूव करना है, वो है नॉर्मल पोकेबॉल। इन पोकेबॉल्स का पोकेमोन कैच करने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। आप लोग इन पोकेबॉल के बजाय जो ग्रेट बॉल है और जो अल्ट्रा बॉल है उन्हें ज़्यादा कलेक्ट कीजिए। इन नॉर्मल पोकेबॉल को रख के कुछ फ़ायदा है नहीं, आप लोगों को बस ग्रेट बॉल और अल्ट्रा बॉल को ज़्यादा कलेक्ट करना है। जितने भी आप लोग पास नॉर्मल पोकेबॉल होंगे उन्हें बस अपने आइटम स्टोरेज से रिमूव कर देना है। तो अभी बात करते हैं अपने बैरीज से रिलेटेड। यहाँ पर आपको बहुत तरह के बैरीज मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को रेसबेरी मिलता है उन्हें बस अपने आइटम स्टोरेज से रिमूव कर देना है। उनके बजाय जो गोल्डन रेसबेरी है उनको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अगर आपके पास ढेर सारे गोल्डन रेसबेरी है तो उन्हें यूज़ कर लीजिएगा, उनसे आपका पोकेमोन कैच करने का चांसेस 90% बढ़ जाता है। नॉर्मल रेसबेरी से उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर गोल्डन रेसबेरी ज़्यादा नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पर रेड बैटल में पार्टिसिपेट करके उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेड बैटल में आप लोग गोल्डन रेसबेरी आसानी से मिल जाते हैं, जिनसे आप लोग ढेर सारे पोकेमोन को कैच कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट जो बेरी है उसका नाम है नैनप बेरी। ये भी पूरी तरह से यूजलेस है, इसे भी अपने आइटम स्टोरेज से आप लोगों को रिमूव कर देना होगा। फिर उसके बाद बेरी आता है पाइनअप बेरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का पोकेमोन का कैंडी डबल हो जाता है। तो इसे बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है, आप लोग इसे हर पोकेमोन पर यूज़ करना है ताकि आप लोगों को हर बार डबल कैंडी मिले।
यहाँ पर आप लोगों को सिल्वर पाइनअप बैर भी मिलता है, तो उसे भी रिमूव नहीं करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप लोगों को ढेर सारे पोकमोन इवोल्यूशन के आइटम मिलते हैं, जैसे कि सिनो स्टोन, यिनोवा स्टोन, इन सारे स्टोन्स को आप लोग गलती से भी रिमूव नहीं करना है। ये सारे स्टोन्स आप लोगों के लिए पोकेमोन इवॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आते हैं। और जो सिनो स्टोन है बहुत ही ज़्यादा रेयर है, उसका यूज़ आप लोग बहुत ही रेयर पोकेमोन को इवॉल्व करने में कर सकते हैं। सिनो स्टोन को आप लोग गलती से भी रिमूव नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पर सिनो स्टोन को गेट करना चाहते हैं तो फिर आप लोग यहाँ रेड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग पीवीपी बैटल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उससे भी आप लोगों को सिनो स्टोन मिल जाता है, या फिर आप लोग अपने 7 डेज वाला रिसर्च टास्क रहता है उसे भी कंप्लीट करके आप लोग सिनो स्टोन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप लोगों को अपने आइटम स्टोरेज में रखना है। बाकी सारे जितने भी नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप लोगों को अपने आइटम स्टोरेज से रिमूव कर देना है। आप लोगों को अगर अपने आइटम स्टोरेज को और ज़्यादा अपग्रेड करना है तो फिर आप लोग अपने शॉप में जाकर उसे अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को 200 पोकेकॉइंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप लोग अपने आइटम स्टोरेज में 50 आइटम्स की एक्स्ट्रा कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को कोई तरह से आइडिया क्लियर हो गया होगा कि आप लोग किस तरह यहाँ पर आइटम स्टोरेज को अपने मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो को हमें सजेस्ट किया था अभिषेक मित्तल ने, जो कि हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के मेंबर है। सो बिग थैंक्स टू अभिषेक फॉर हेल्पिंग अस फॉर मेकिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।